नमस्कार दोस्त, आईटीआई मास्टर चैनल तरफ आपको स्वागत। आज टॉपिक हूँ आम लेथ चैप्टर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करवा, जोटा कि बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकली लेवल रो क्वेश्चन गुड़िक। तो चलतु देखा आमर लेथ चैप्टर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन गुड़िक प्रत्येक कंपिटेटिव एग्जाम नित्यांत आवश्यक ओएचपीसी बहुत बहुत आवश्यक। ओके तो चलतु आरंभ करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आमर बॉल सेंटर इज यूज इन सेंटर लेथ। सेंटर लेथ रे बॉल सेंटर रो व्यवहार कोठे करा जाए, सपोर्टिंग पाइप, सपोर्टिंग हेवी जॉब, टेपर टर्निंग बाय ऑफसाइड मेथड, फेसिंग प्रोपोज। को प्रोपोज रे आमर बॉल सेंटर टा व्यवहार करा जाए ना बॉल सेंटर टा को प्रोपोज रे व्यवहार करा जाए? आंसर होउछि तुमरो टेपर टर्निंग बाय ऑफसाइड मेथड रे। टेपर टर्निंग टाइम रे तुमरो बॉल सेंटर टा यूज करा जाए। काहेकि करा जाए ना टेपर टर्निंग रे बॉल सेंटर टा, बॉल सेंटर रे कोन थाए ये ये भड़ा थाए। ओके ये ला बॉल सेंटर, ये बॉल सेंटर जितना आम टेपर टर्निंग आम करूचे, टेपर टर्निंग कले जब ऑफसाइड मेथड आम टेपर टर्निंग करवा मानने कौन हो जब्र सेंटर को आउट करवा। तो जदि आउट करवा ये बॉलटा थी ताल से कौन हो तुम जो मूविंग समय इसेंट्रिक टाइप रो मूविंग हम ना, तो ये समय ये कौन कर तुमको बॉलटा साहय कर भल भाव बुलवापे। तो टेपर टर्निंग ऑफसाइड मेथड रे बॉल सेंटर टा व्यवहार करा जाए। ओके देन व्हिच इज यूज टू होल्ड सिलिंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग। सिलिंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग इथिपाई कोडा व्यवहार करा जाए माने सिलिंड्रिकल रफ कास्टिंग टर्निंग पाई कोड काहे होल्ड करा जाए? थ्री जो चक रे होल्ड करा जाए ना फोर्थ चक रे होल्ड करा जाए ना कलेक्ट चक रे होल्ड करा जाए ना मैग्नेट चक रे? आंसर हम फोर जो चक। आंसर हम तुम कौन फोर जो चक, कहीं ये कह सिलिंड्रिकल खाली देते तुम थ्री जो कहीदे था कितु रफ कास्टिंग देती। तो रफ कास्टिंग देदेले तुम फोर जो चक हम कहीं रफ कास्टिंग रफ गुड़ी जब गुड़िक तुम फोर जो चक रे कले ही तुम ट्रू भल भाव कर। ओके देन क्राटर वेयर अक्वेर्स मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फेनोमेन। क्राटर वेयर को फेनोमेन द्वारा हो पार्टी गोटे एब्रेसन द्वारा सृष्टि होना डिफ्यूजन द्वारा ना ऑक्सीडेशन द्वारा एडेसन द्वारा? आर आंसर हम डिफ्यूजन। प्रोपोज आम डिफ्यूजन रे क्राटर वेयर टा फॉर्मेशन हो। क्राटर वेयर मान कौन देख, क्राटर वेयर मान कौन तुम जब ये गोटे जबटा, ये जबटा जो तुम काटुच टूल द्वारा तो ये टर्निंग कर काटुच, तो काटे समय कौन हो ये जो टूल अच्छी ये कौन हो ये चिप्स फॉर्मेशन है, ये छोट छोट चिप्स फॉर्मेशन है। जो चिप्स गुड़िक टूल्र टूल रे सदा बेले जाकी बाजिबो ता ऊपर जाकी टूल रे जतला ऊपर बाजिबो ये कौन हम कंटिन्यूअस रे चिप्स जाक टूल रे ऊपर बाजी 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 चिप्स जाक हिट थिबो। तो हिट थिया जको ये टूल रे बाजी बाजी से कौन करे टूल रे तार किछि एमिति आकार रे किछि गोटे से डेप्थ गोटे करिदबो। ओके तो ये जो डेप्थ आकार किसी करवाकूप टूल उपर कि डेप्थ आकार वेयर कर, तो यहीटा को आम कौन डिफ्यूजन यहाँ कौन क्राटर वेयर। ओके और ये आउ गोटे क्वेश्चन पचारि पारे से ये फ्रांक वेयर पचारि पारे, फ्रांक वेयर अक्वेड से ह्विच अफ द फॉलोइंग फेनोमेन मैंने आब्रेसन। ओके तो आब्रेसन हूँ फ्रांक वेयर, आउ तुम क्राटर वेयरटा हूँ तुम डिफ्यूजन। ओके भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके देन फोर नंबर क्वेश्चन कौन दे, चिप्स विथ बिल्ट ऑफ एड्स कैन बी एक्सपेक्टेड व्हिच मशीनिंग। तो से कह चिप्स विथ बिल्ट ऑफ एड्स, बिल्ट ऑफ एड्स जेटा तुम्हारा को मटेरियल रे देखा जाए, हार्ड मटेरियल ना ब्रिटल मटेरियल, टॉप मटेरियल ना डक्टाइल मटेरियल? आर आंसर हम डक्टाइल मटेरियल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके डक्टाइल मटेरियल तुम चिप्स हम बिल्ट ऑफ एड्स जेटा फॉर्मेशन हम, कहीं बिल्ट ऑफ एड्स मैंने कौन कह बुझ ना जो आम ये गोटे जब्ट अच्छी जब्टा जितने टूलटा काटू ये जब्र किसी अंश ये उठी जा केमती उठब जदि जबटा से सफ्ट थी ताले कटिंग करिया समय रे फोर्स लगे समय रे ये अधिका टिके जगह उठी जीवो। तो सेटा कौन आम बिल्ट अप एडजे टिके ऊपर को उठी जीवा। ओके तो यहाँ कोर्ट के संभव जितने जबटा कि सफ्ट थी। ओके तो डक्टाइल मेटेरियलटा सफ्ट थाए तेणुक ये डक्टाइल मेटेरियल बिल्ट अप एडजेटा होता है। ओके देन पाँच नंबर क्वेश्चन, इन मशीनिंग चिप्स ब्रेक ड्यू टू प्लास्टिसिटी डक्टिलिटी टफनेस वर्क हार्डनिंग। से कौन कौन इन मशीनिंग चिप्स मशीनिंग टाइम रे चिप्सटा ब्रेक हुए आम लेद्रे काटिया समय चिप्सटा खंड खंड हो बाहर, तो जो को प्रोपर्टी जो से खंड खंड हो बाहर प्लास्टिसिटी प्रोपर्टी ना डक्टिलिटी ना टफनेस वर्क हार्डनिंग? आंसर हम वर्क हार्डनिंग प्रोपर्टी जो से चिप्सटा खंड हुए, कहीं जो प्लास्टिसिटी प्रोपर्टी कौन डक्टिलिटी कौन टफनेस कौन? प्लास्टिसिटी प्रोपर्टीटा हूँ तुम फर्जिंग प्लास्टिसिटी प्रोपर्टीटा थाए। ओके मेटेरियल कहीं प्लास्टिसिटी प्रोपर्टी तुम जी फोर्स दबना से अधिक डिफर्मेशन से प्लास्टिसिटी प्रोपर्टी, आउ
डक्टिलिटी प्रॉपर्टीटा कौन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ना तुम गोटे मेटालटा को प्रेसर दे कि तुम लंबा कर पार ओके तो सेटा है वायर भाया लंबा कर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आ टफनेस प्रॉपर्टी से जॉब स्ट्रेंथ बढ़ाए और वर्क हार्डिंगटा हूँ तुम बेक करे ओके देन 6 नंबर क्वेश्चन सिरामिक टूल आर मेड फ्रॉम सिरामिक टूलटा तुम कहीं तैयारी सिरामिक टूलटा आम साधारण कहीं व्यवहार होती सीएनसी लेदर व्यवहार होती तो सिरामिक टूलटा आम कहीं तैयारी से पता है टंगस्टन ऑक्साइड सिलिकॉन कार्बाइड कोबाल्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड तो देखो सिरामिक टूलटा साधारण पाउडर फॉर्म रे तैयारी करा जाए जो पाउडर फॉर्म तैयारी करा जाए एल्युमिनियम ऑक्साइडटा पाउडर फॉर्म रे मिले तो पाउडर फॉर्म रे ये सिरामिक टूलटा तुम्हारे व्यवहार करा जाए ओके देन तुम क्वेश्चन है 6 नंबर कहला 7 नंबर क्वेश्चन से कहूँ तुम कौन कंटिन्यूस चिप्स विल बी फॉर्मड व्हेन मैचिंग स्पीड इज हाई लो मीडियम इरेस्पेक्टिव ऑफ कटिंग स्पीड कंटिन्यूस चिप्स विल बी फॉर्मड व्हेन मशीनिंग स्पीड इज हाई लो मीडियम कंटिन्यूस चिप्सटा तुम के फर्म हम जो तुम स्पीड जो स्पीडटा तुम हाई रही हाई स्पीड रे तुम कंटिन्यूस से फर्म ही मिले कहीं से ब्रेक होगाक टाइम मिलना हाई स्पीड हेले सी कंटिन्यूसली तुम चिप्सटा फर्म हम ओके देन 8 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स रिमूवल प्रोसेस कोटा हमर चिप्स रिमूवल प्रोसेस कोटा को हम कहबा रोलिंग प्रोसेस एक्सट्रूजन प्रोसेस डाइकास्टिंग ब्रोचिंग तो देखो चिप रिमूवल प्रोसेस माने जो जोटा कि कटिंग हो कि मेटालटा बाहूले मेटालटा कटिंग हो कि ऑपरेशन होते कटिंग हेले चिप्सटा बाहर ओके किंतु ए जो रोलिंग एक्सट्रूजन डाइकास्टिंग एटा तुम कटिंग ना एटा तुम गोटे फोर्स कि प्रेसर दे कि तुम जॉबटा को बनेबा ओके किंतु ब्रोचिंग ऑपरेशन कौन हुए तुम स्प्लाइन कट हुए ओके जो इंटरनल स्प्लाइन आम देखुचे हब रो इंटरनल स्प्लाइन देखुचे तो सेटा ब्रोचिंग मेसीन होता है तो ब्रोचिंग मेसीन में जो इंटरनाल स्प्लाइन होता है मेटाल कट होता है तेणुक चिप रिमूवल हुए चिप मतलब बाहर तो आंसर हो तुम ब्रोचिंग प्रोसेस ओके दे 9 नंबर क्वेश्चन व्हिच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड कार्बाइड टूल कार्बाइड टूल तुम कौ कटिंग फ्लूइडटा व्यवहार कर किरोसिन ऑयल ना वाटर ना लार्ड ऑयल ना नो कटिंग फ्लूइड आंसर हम तुम नो कटिंग फ्लूइड ओके देन क्रोमियम इन एच एस टूल मेटेरियल इज कैसे देख क्रोमियमटा पता है एच एस टूल ये ऑप्शन भूल अच्छे एक्चुअली एटा सीटा हम तुम 8% ओके तो एच एस टूल क्रोमियम परसेंट पता है एच एस टूल तुम मन रखीदेव एच एस टूल पता है टी सी भी टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम टंगस्टन हूँ 18 क्रोमियम हूँ 8 ये हूँ 1 18 8 1 एमती मन रख ओके देन तुम ये 11 नंबर क्वेश्चन हो इनक्रीज इन बैक रैक एंगल वुड एफेक्ट द सरफेस तुम जब बैक रैक एंगल इनक्रीज है तुम सरफेस फिनिश कौन डिफेक्ट कौन आस बैक रैक एंगल इनक्रीज हे तो तुम सरफेस फिनिशा इम्प्रूव हम ओके देन पुअर सरफेस फिनिश रिजल्ट ड्यू टू तुम पुअर सरफेस फिनिश गोटे जॉबटा तुम पुअर सरफेस मैंने भल भाव फिनिशिंग आसुनी तार कारण कौन हेवी डेप्थ ऑफ कट तुम डेप्थ ऑफ कट हेवी होगा ना तुम लो कटिंग स्पीड होना तुम हाई कटिंग स्पीड होना कोर्स स्पीड ये तुमको सब हेला भाया लगे कि आंसर हम तुम कोर्स फिड कोर्स फिड साहय तुम कौन पुअर सरफेस फिनिश आए जो आम फाइन फिनिशिंग करे फिड आम बहुत कम दूचे बहुत कम दे पूरा फिनिशिंग आसो ओके आते आम फिड अधिका बढ़ेगा तो फिनिशिंग तार कमी तेनालीराम कहते पुअर सरफेस फिनिश देन 10 नंबर क्वेश्चन है स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द लेथ बेड आर फ्रेम हार्डेंड केस हार्डेंड नॉर्मलाइज टेम्पर्ड तो कौन हम यहाँ द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ बेड स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ बेड स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ बेडटा हूँ कौन केस हार्डेंड ओके आंसर हम तुम कौन केस हार्डेंड देन 14 नंबर क्वेश्चन व्हाइल यूजिंग फॉर्म टूल मेथड टेपर टर्निंग केरेज इज टू लॉक एटा कंपाउंड रस्ट इज टू बी लॉक ओके एटा टॉप स्लाइड इज टू बी लॉक ना टेल स्टॉक इज टू लॉक माने टेपर टर्निंग टा होजी कंपाउंड ए जो तुम ये जो केरेज लॉक करके ना कौन कौन यूजिंग फॉर्म टूल मेथड फॉर्म टूल टा व्यवहार करिया समय रे तुमको टेपर टर्निंग रो फॉर्म टूल मेथड व्यवहार कर सर तुम कंपाउंड रस्ट द्वारा ही करने को पड़े ओके देन लास्ट क्वेश्चन ये तुम 15 नंबर क्वेश्चन व्हेन द ऑफसेट इज टुवर्ड्स द ऑपरेटर द लार्ज डायमीटर ऑफ द टेपर ये पेपर दे ना यहाँ हम टेपर विल बी एट बोथ इंड्स द सेंटर द हेड स्टॉक द टेल स्टॉक साइड देख ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा तुम ओके से कौन कहे ये तुम देख ऑपरेटर आड़ को टुवर्ड्स ऑपरेटर आड़ को तुम ऑफसेट करछि एटा तुम हो
प्रैक्टिकली क्वेश्चन डा एटा तमरो होची टेल स्टॉक एपोटे तमरो हेड स्टॉक ये जो एटा जो सेंटर अछि ये टू आवर्स ऑपरेटर माने तम आडु को से ऑफसेटटा करिछे ऑफसेट करले जॉबटा कोन रहला टिके बेंड एमिति भले टिके बेंड रहला तो तम जे तर कटिंग करिवो ये कोन करिवो एपोटे अधिक टिके अछि तेनु करी ये टेल स्टॉक आडे अधिक मेटल काटिवो ये एपोटे कम मेटल काटिवो तो जो लार्ज डायमीटर टा कोपोट रहबो तम टेल स्टॉक आड रहबो ओके तो लार्ज डायमीटर टा होजे तम टेल स्टॉक आड हो ओके तो वीडियो टी देखि दे धन्यवाद मोर एग्जाम थिबा जो को मो खास कर रेगुलर वीडियो अपलोड करि पाउनी ठीके असुविधा होची सेति पई प्लीज आ मोर एग्जाम सला पर मो अधिक अधिक वीडियो आपन पई छाडी पारि।